पाए लिखती अकेली बाहों में फागुं सोते में जागूं चली अच्छा जी, हम यहाँ पे आए हैं। अब ये कुम्हराड़ का ये एक पॉइंट है जिसको कहते हैं ये आबशार, और आई होप मैं आपको आबशार दिखा सकूँ। वैसे तो आवाम जो है ऊपर टॉप तक जा रही है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो आपको नीचे से रह के जितना दिखा सकता हूँ दिखाता हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना कम है कि हमने भी जाना है टिकी टॉप से जहाज़ बंडा, और वहाँ पर जाके हम कैंपिंग करें, फिर नेक्स्ट डे जो सुबह आप ट्रैकिंग करके कटरा लेके जाएँगे इंशाल्लाह। तो अभी हम हैं टिकी टॉप पर, और टिकी टॉप से हम जो है वो ट्रैकिंग करके जा रहे हैं जहाज बंडा, और इंशाल्लाह 3 घंटे की हमारी ट्रैकिंग होगी। ये हमारा सामान जो है ना वो बंद गया सारा गधे के ऊपर। हमारे एक हो निहार ये तालिब इल्म ने ना एक काम किया है, हमारा कैंप था वो बड़ा महंगा था, जिस जीप पे हम ऊपर आए थे लेके, भाई साहब ने सारा सामान बाहर निकाला, तो वो सामान में सारा निकालने के बाद देखे इतना बड़ा कैंप है, वो 8 बंदों का कैंप है और ऑटोमेटिक था वो हमारा कैंप, बड़ा महंगा था, तो वो कैंप भाई को नजर नहीं आया, और वो कैंप जो है ना वो गाड़ी वाला अपने साथ ले गया। पहला नंबर 0345। बड़ी स्लोपी सी है ये हाइक, ये जंगल है सारा, और पूरी ये ना स्ट्रीक सी बनी हुई ऊपर को। क्या हाल है दोस्तों, देख रहे हो यार, ये हम सफर कर रहे हैं, तो अभी जा रहे हैं जहाज बंडा, तो बस एंजॉय कर रहे हैं, ठंड भी है, तो बहुत खूबसूरत इलाका है यार। और वो देखो वो हमारे जवान जो बूढ़े होकर मर रहे हैं, चढ़ नहीं सकते, तो माशाल्लाह मैं तो यंग हूँ, फिर मुझे भी सहारा है। और बाकी ये हमारा खच्चर है, देख रहे हैं भाई, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, और मेरे ख्याल से जिस तरह की स्पीड से मैं चल रहा हूँ ना, तो हम तो अभी हाफ में भी नहीं पहुंचे। हम जो है वो तकरीबन हमारा आधे घंटे का रह गया ट्रैक। जी कैसे हैं सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अभी हम हैं जहाज बंडा, और रात को मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि रात को हम लेट नाइट पहुँचे, यहाँ पे बारिश भी हो रही थी बहुत ज़्यादा, और रात के टाइम कुछ नज़र भी नहीं आना था, तो आते ही हम जो है वो बस पहले तो आके हम सो गए, और कैंप हमारा हमें मिला नहीं, तो हम यहाँ से हमने कैंप करवाया, तकरीबन ये 10 बंदों का कैंप है, तो ईज़िली 1000 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा, तो हमने कैंप करवाया, इसी में हम आते ही हम लेट के सो गए हैं, तो फिर हमने बाद में हमें बंदों ने उठाया कि भैया उठ के खाना तो खा लें, तो खाना शाना खा के हम फिर सो गए, तो अब सुबह उठे हैं, उठ के तो देखा यार क्या नज़ारा है यहाँ पे। ये है बाथरूम, ये यहाँ पे तो फिर भी बाथरूम है, वहाँ पे बेस कैंप जब नांगापुर बेस कैंप जाते तो भाई आपने खुले में खुला ही आपका बाथरूम है, वो एंड पे हमारा कैंप है वो, ये तो ये देखो जरा नज़ारा क्या बात है।